जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कल आप लोग अनुभव किए कि उमा राम सम हित जग माही, अगुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। श्री शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे उमा, श्री राम जी की तरह हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, जो सेवक स्वामी बना बा, कोई नहीं बा। कहे एक बड़ा बारीक बा, एक जान ले जा। सबकर कुछ न कुछ लालसा, गुरुओं जो बन के बैठा बा कुछ नहीं थे, बुढ़ौती में संभाली लालसा। और श्री राम जी के कहीं से लालच, जब भी बात आवे तो हमेशा याद रखो कि माता कौशल्या जी के बाड़ी कल्प वृक्ष के फूल, अयोध्या के राज सुख जेके देख के राजा इंद्र और कुबेर भी सिहात रहे, वह जो है जौन राज सुख बा, वो राज सुख बा वही भौरा जौन पराग सुतला, क्या कहना ओके, मकरंद, वही बा मकरंद का रस। और जौन राज लक्ष्मी बाइन वह ओकर बाइन मूल, लेकिन श्री राम जी का मन रूपी भौरा हुआ थोड़ा भी मन भी हुआ नहीं जा। ई जब ताकत बैठाए रखबे कहबे यार अपने किया तो कुछ नहीं बा, न तो कोई प्रेम से बोलने वाला बा, न तो वैसन राज सुख बा, न वैसन राज लक्ष्मी बा, ठीक न। तो लालच इनके अंदर आप कहीं भी न पैबे। यदि जे प्रभु में लालच दिखावे के कोशिश करता वो मात्र दम्भी बा, ऐसे समझ ले रामचंद्र भाई। जब भगवान शिव जी हस्ताक्षर कर देहन इनके सच्चाई पर, तब फिर शिव जी के बाद अब के बचा था कि वो केहु नहीं उनसे बड़ा, तू अपन तड़का लगाए बान ने, तड़का लगाई जा बान ठीक। तो जानते हुए जब तक नहीं जे जाना था तब तक तो भाई अज्ञान में गलती सही जोन भा भा, लेकिन जानते हूँ असे प्रभु परिहर ही, अकाहे न विपत्ति जाल नर पर ही। जब जान करके भी जो ऐसे प्रभु का त्याग कर दे तो वह विपत्ति नहीं बल्कि विपत्ति के जाल में क्यों नहीं पड़ जाए। खाली लालची लोगन में ममता रखबे, और जे आपके अहम भाव से अनेक शरीर में बिना स्वार्थ के सेवा कर सो में मन कहाँ लगल कभी, अगर लग गया हो तो जैसे थोड़ा बैठा हो, ठीक न। मने ज्ञान पावे बदे वो तो अपन वही में लीन रहत, फिर इच्छा के बहरे रहते यह अवस्था रहत, ठीक। तो ऐसे हमेशा ये बात समझ लेवे चाहिए कि मिथ्या संसार माया मैं हाँ खाली, ये वास्तव में हो
ये मात्र परम पवित्र प्रेम पक्का भाव जेकर अनुभव आप लोग अब धीरे धीरे करे शुरू कर दिले, पवित्र भाव और वैराग्य विवेक भक्ति के रास्ते प्रभु में मिल जाना ही बा। यही बदे ही मन जितना लीला बा ई बात खाली मनई का सदी बुद्धि समझ और चल भी सकला। जे नहीं चल पावत वो अपन एक नया पंथ खोल के यही अमर के चक्कर में भ्रम बस करता है ने? तो हम लोग कल दोहा नंबर 12 पर रुके रहे और दोहा रहा कि प्रथम ही देवन है गिरी गुहा और राखे रुचिरे बनाई राम कृपा निधि कछु दिन बस करही गे आई। देवता लोग पहले से ही प्रवर्षण पर्वत के पास एक पवित्र गुफा रह लायक सजा करके बना दिए थे क्योंकि लोग सोच रखे थे कि कृपा की खान निधि माने खान खजाना राम जी खाली कृपा करने और कुछ वो बिना कारण के बिना और बाकी जितना काम होला प्रपंच के उनमें कहीं ना कहीं कारण ठीक ना सजू भाई। हाँ तो बताओ उनके कृपा का जी अपमान करे दुखरन भाई यहाँ कौन कारण बा देखो ठीक ना। तो कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करें, आप ही लोग नहीं धरती पर जितना लोग भी अपने अंदर भक्ति का भाव भाव नहीं बल्कि भाव का एक भी अंश महसूस करते हैं आज अगर वह श्री राम जी की एक एक बाड़ी को भी अंदर धारण कर ले तो उनको परम पद प्राप्त हो जाएगा। वह बाड़ी चार चौपाई के बाद शुरू होगी ठीक ना। राय दो कि पवित्र भाव में कहे के बाद मुंह में सूती रख के कहना थी न पड़ी। देखो चार चौपाई के बाद ठीक है आज मात्र श्री राम ही जी चर्चा करिए तो सुंदर बन कुसु मितयति शोभा अगुंजत मधुपनी कर मधुलोभा। सुंदर बन कुसु मितयति शोभा अगुंजत मधुपनी कर मधुलोभा। प्रवर्षण पर्वत के पास सुंदर वन है फूला हुआ जो अत्यंत सुशोभित मधु सोहत मधु के लोभ से भावरे नहीं बल्कि भावरों के समूह गुंजार कर रहे ठीक ने लोभ से कुल पोछिला बोले जेकर लोभ नहीं रहा कोहला बेकार हो गए। कंद मूल फल
पत्र सुहाए भये बहुत जब ते प्रभु आए। जब से प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर वास किए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। बहुतायत माने बहुत से, क्योंकि इन सबको भी पता है कि यही हमारे असली स्वामी। पेड़ पौधों को भी पता है, खाली मनई के छोड़ के जने हाँ। और जे तिरियक योनी के जीव बा ओके छोड़ के, लेकिन जब प्रभु के स्पर्श होला तो देखो दीक्षी और साप भी अपन जहर त्याग करके प्रभु के सेवा में नहीं एकदम पवित्र भाव करके। भैया दुखरन भाई समझो, खाली प्रभु के जानो, बाकी कोई के जाने की जरूरत नहीं बा। तो देखी मनोहर शैल अनूप रहे तहा अनुज सहित सुर भूप। मनोहर और अनुपम, अनुपम माने सुंदर। पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट माने देवताओं के स्वामी, सूर नर मुनि सबका स्वामी वो नहीं बहन श्री राम जी, वो नहीं से तो सब चलो था। श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह आज भी एक अनुपम सिंह भाई बहन अमेरिका में जने। आप लोग हिंदी के किताब में यहाँ रीवा, रीवा में भी एक महल बा, वही राज परिवार का एक कवि रहे, उनका नाम रहा शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह अटल बिहारी वाजपेयी उनकर शिष्य रहे, जन प्रधानमंत्री रहे। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी के नाती बहन अनुपम भाई, वो रविशंकर के परम प्रिय मित्र है ना। नाम का प्रभाव पड़ा ला भाई अंदर, ठीक ना महाराज। तो पता बा उनके भी पता बा कि नहीं, इनके अंदर कितना विश्वास है भा बड़ा, उस सब ही के पता बा कि विश्वास के कभी धोखा, जब विश्वास के धोखा दे दे तो वो कितना बड़ा निकृष्ट जीव बा। यही से कभी, यही से पहले वाणी के महत्व लोग लेके चले हैं जीवन में। तो वहाँ भाई सुंदर वही व्यवस्था पर आगल बात, तो वहां पर भाई लक्ष्मण जी सहित रहे। और मधुकर खग मृग तनुधरी देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। देवता सिद्ध और मुनि भौरो पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु श्री राम जी की सेवा करने। आप लोगों को उस सब शरीर धारण करने की जरूरत नहीं बा, जो मिला बा वह ठीक बा, ठीक न। तो देखो फिर वही सेवा भाव। तो जब देवता सिद्ध पुरुष और मनुष्य तक प्रभु का सेवा करते हैं
तो फिर आम आदमी अगर अहंकार जगा के अहम का सेवा करत ऐसे बड़ा बेवकूफी नहीं, सिद्ध पुरुष भी बढ़ गए हैं समझने, खाली भोग बदे भ्रमे बने। तो मंगल रूप भयउ बन तबते किन निवास रमापति जबते। रमा मन होला लक्ष्मी, तो वही फिर वही विष्णु जी के ही, लेकिन ये परम विष्णु है, महालक्ष्मी महायोगिनी सीता जी, जिनके अंश से कितनी लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती। तो जब से संपूर्ण भुवनों के स्वामी यानी भुवनेश्वर श्री राम जी सीता जी के पति वहां निवास किए, तब से वह मंगल स्वरूप हो अब यहां तो नहीं अनुभव कर जा। अब देखो यहां कहां मंगल बा, कहां मंगल ठीक ना, ज्ञान वैराग भक्ति ये सब जब एक बार बैठ जाइए के ये कहां मरे वाला बा, कहां मरे और संसार वाला में तो कुल मंगल दिखाओ कॉले मंगल काम बा, लेकिन वहां मंगल है मंगल बा जौन दिखाई है ना माया में मंगल वो खतरनाक बा। औसम आवता राम सिंह भाई सबसे बाजा बजा बजा के फसोता है, नहीं बिहार में नहीं जाते बजा 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 के फसोता है भाई। राम जी भाई कहें गुरु का कही नहीं बुद्धि रहा, यही से जो ना बचपन में ये बात नहीं बा, श्रद्धा भाव के साथ में पत्नी के हिस्से से लगावा के नीति बा, ये नहीं बा कि सृष्टि रुके वाला बा, लेकिन वह पवित्र भाव, पुत्र है तो सच्चा पुत्र, पुत्री है तो सच्ची पुत्री। दुखरन भाई यह न जौन स्थान पे है उसे पवित्र रखो, गुरु तो परम पवित्र गुरु का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। हाँ यह ना इनमें कहाँ दिक्कत बा, तो फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई असुखयासीन तहां दौ भाई। वही स्फटिक शिला स्फटिक वो मड़ी है जने मड़ी रूप वो हमेशा जो है प्रकाश में, तो स्फटिक मड़ी की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान और ये सृष्टि के अंदर जितना भी चरित्र होता यह मात्र प्रभु की लीला ही है, और ये सारे चरित्र दुखरन भाई अखिया खुले रखो मात्र अनुभव के लिए है, मात्र अनुभव। आज जो जो जीव इस अनुभव को धारण कर लेगा वह कभी भी मोह और महामोह के भ्रम में नहीं फंसेगा, यह निश्चित है। ठीक, तो बैठे हैं
अब सीता जी तो वहाँ है नहीं दृश्य रूप में, लौकिक में, लेकिन अलौकिक में तो बैठले बा, ठीक न। तो देखो प्रभु के लीला, भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक। अगली पर एक बार गिन ले, भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक। अब यह चारों चीज के आधार लेकर के ये आपस में बातचीत करते हैं श्री राम जी कि कहते अनुज सन कथायने का भगति बिरति नृप नीति विवेक। कैसे समझो, पुरुष तत्व वैराग्य से शुरू होला, तो वैराग्य विवेक भक्ति जब तीनों रही तब मैं आदर्श राजा राजनीति कर सकला। अगर वैराग विवेक भक्ति नहीं बा तब निश्चित बा कि कपट विद्या, और वैराग का अर्थ है बा कि ब्रह्मा के प्रपंच में कौनों भी वस्तु से थोड़ा भी लगाव, यहाँ तक कि खुद के शरीर से भी मोह न हुए के, समझते हैं। तो देखिए अब यह जो बाड़ी है इसमें वैराग विवेक भक्ति और नृप नीति यानी राजनीति चारों से सान कर प्रभु श्री राम जी के श्री मुख के द्वारा कही गई है, ठीक। तो जब गर्मी रहला खूब, बारिश आवला रहला, देख रहे बादल छाए बहन, खेत सुखत रहा है, गर्जना सुनला तो अच्छा लगला ने? कि अब तनी लगता कि अब भगवान शांति देवे वाला। तो बरसा काले अमेघ नभ छाए अगर जत लागत परम सुहाए। अब देखो ये चरित्र होता तो यहाँ से अनुभव करो, वर्षा काल आ चुका है और आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते, ठीक ने। और इन गर्जो लेन तो सुहावना नहीं लगो, भक्तन के लगला, भक्तन के लगी, और जेकरे अंदर भक्ति के बीजा न रही वो कही ये बाबा जी ठीक नहीं है, बड़ा तेज बोल रहे कि इन बाबा जी कहाँ है, इन बाबा जी तो नहीं है था देखा, ठीक। ध्यान दे इधर नहीं इधर ध्यान दे, कहे कि जौन चेहरा का भाव आई दुखरन भाई ये भाव है जो कि दिमाग वो पर्दा खोली, यही से जो ना हमेशा ध्यान में रहो। सब झूठा कलन के हमने जो ना गृहस्थ ही महाराज एक को गृहस्थ नहीं बाया, सब जने जने एक को जने गृहस्थ नहीं बाया, क्या बात का होला गृहस्थ महाराज बताओ वो तो हमने बनोल जा ये ने राम जी भाई ये ने
तो देखे बाड़ी कटे दे इनके गर्दन ठीक। अब यही शिव जी के बाड़ी होत रहा, अब राम जी के बाड़ी बा ठीक ना राम जी भाई। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं एक बहुत भाव से समझो कि लक्ष्मण देखू मोर गन अनाचत बारिद पेखी अग्रह बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूं देखी। यही चीज से आप बाड़ी अब एक एक शब्द के सुना शुरू करो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे, किसे देखकर बादलों को, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भगत को देखकर हर्षित होते। तो सच्चा गृहस्थ वही है जो किसी बैरागी बाबा को देखे तो उसको मोर की तरह ही नाचना माने उतना प्रसन्न होना ने? अब देखे को बहन देखो यहाँ से वह तुलना कर गृहस्थ के इतना ज्यादा खुशी हुआ के चाहिए। इनमें कोई का दोष नहीं बा, विष्णु जी के भगत कहाँ रह गए? कहाँ विष्णु जी क्यों जाना ही वाला नहीं बात भगत ठीक ने बैराग कहाँ कहीं दिखाया था महाराज। यह कारण है कि जो सच्चा गृहस्थ का भाव रहा वो धरती से लुप्त होगा और खाली सर पे बोझा बा यह बेचारे कुल ढोत है और जाता है कहीं तक कुछ मिलत बल्कि वह ठगी सीख लेता है कि मीठ मीठ बोलबे गुस्सा न करबे तो दो रोटी सब जने दिए बड़े प्रेम से। उसमें रारू भागवत गीता लगिन बात है यही कहना टक बाबा माता सती जी से साधु हो नहीं पहली साधु का भाव मिला जाके पार्वती जी जब पूरा रामचरित मानस सुन ली जब उनका दृढ़ अनुराग होएगा तब ये ने तो गृहस्थ समझ गई है जो कि वैराग्य को पाने में ही अनुरक्त हो। वैराग्य वह 31 नंबर वाला भाई इधर कहीं हुई ने जानता है और अब वह निष्काम सेवा से बैराग की तरफ अनुरक्त दे रही हूँ जब देखी बाबा जी के तब ओके तक खुशी आई ने और जो लोभ की तरफ बाबू कहूँ बेकार है वहाँ मत जा वहाँ कुछ बटला नहीं था कुछ सिक्का इतने तू ककड़े जाले तो पहली बात कि जो भी गृहस्थ हो उसे बैराग की ओर ही चित्त को ले जाना। तो बैराग मतलब राग छूटी तो उन्हें यहाँ तो राग दिन पर दिन पकड़ते है बा सरजू भाई कठे नती नहीं ठीक न कहे कि जब अज्ञान के जंगल बढ़ल है न तो वो जो सुतुआ वाले हो लेन उन्होंने का मोह ज्यादा लगल है न तो राग छोड़बे तब न बैराग हुई और बैराग जब हुई तब विवेक और जब विवेक हुई तब भक्ति हुई और जब भक्ति हुई तब मुक्ति हुई और तब जाकर के राजा या तो आध्यात्मिक गुरु के कार्य तब ओकरे पहले और यहाँ देखबे तो कुल कितना लालची बहन और कहीं गुरु भाई जने ध्यान दे ये बड़ी पक्का उगल गृहस्थ वाली एक धरती पर कोई काटा इनका गर्दन उड़ा दे नहीं तो एक जने ऐसा बन के दिखावे धरती का राजा हुआ गुरु हुआ शंकराचार्य हुआ महामंडलेश्वर हुआ महंतधारी हो ई पंथ ऊ पंथ पूरे धरती के विश्व धर्म संगठन का भी कोई व्यक्ति हो एक व्यक्ति के पास आज वैराग्य तक नहीं है विवेक भक्ति कहाँ है वहाँ
तो वास्तव में विचार रेडी है संसार, ठीक ने? जीवन जिये तो यार सच्चा जिया, नहीं तो क्या करवे, चुल्लू भर पानी में नाक रख के मर जा, कोनो जरूरत नहीं बा। ने जब लालच कपट फैलावता है ने, तो उसे अच्छा कि न रहबे ना तो फैली दे कम से ये ने। अब देखो जब कभी बहुत तेज गड़गड़ाला बादल एकदम लगाला कि अब गिरा तब गिरा, और पत्नी अगर घरे नहीं बा साथे नहीं बा नहीं रे गवा तो डर लगाला। सही सही बतावे राम जी भाई, तो कह के तू सही सही बोल दिल लगाला ने। तो घन घमंड नभ गरजत घोरा अप्रिया ही ने डरे पत मन मोरा। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे और प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा। अगर आप गृहस्थ है ठीक ना, पत्नी साथ में ना हो, ऐसी स्थिति हो तो आपका भी मन में डर होना उन्नीति बा आदर्श गृहस्थ बने जाने। यहाँ तो कुल मना हुआ था तू मोर जाते ठीक बा भाई, जेकर वो माया रूप बहन ने पत्नी नहीं बहन ने, पत्नी कहा भाई पत्नी माने छाया हो, पत्नी माने छाया जाने परछाई, जैसे ही जैसे हिला था उसे ही पत्नी के चला चाहिए ठीक। तो प्रभु ऐसे ही बाड़ी कर रहे हैं, एक गृहस्थों के लिए उपदेश है प्रभु का कि अगर वही भाव, क्योंकि पति पत्नी दो होते नहीं इसलिए उतना भाव होना, और ऐसा तभी होगा जब अलौकिक प्रेम होगा। अलौकिक प्रेम ही में लोग सती हो जाते हैं, जैसे वो रेशु तिवारी का रहा ठीक ना, शरीर छोड़ के चली गई और वो भी सिर्फ ध्यान करके, शंकर जी भी चले गए, रविशंकर प्रकाश जी आए वो भी चले गए, कहे कि यहाँ कोई अलौकिक प्रेम के समझे वाला यह खे गणेश जी समझौता है, और जे समझ इन समझ जाता है जने, और जोने दिन पूरा समझ लिए वो दिन निश्चित बाकी गणेश रूप धारण कर लिए और पूरा धरती जानी की गणेश जी का राम खिलौन भाई समझता है। राम जी भाई एकदम पीछे नहीं बहन, सरजू भाई भी देखो यह भाव आई तो जे आई सब पवित्र हो जाये ने। दुखरन भाई एकदम तनको अंदर कुछ मलाल मत रखे, सबका दुख हरण कर ले भाई, जब बता दे भाई कि देख भाई सही बात गृहस्थ है तो हमेशा एक फिराक में रहो कि पवित्र सेवा देख करके ऐसे मन दूर करके प्रभु के चरण में। यह न क्या है कि गृहस्थ सबसे ज्यादा मेहनत करो लेन बा नहीं, कि डॉक्टर साहब करिए डॉक्टर साहब के लिए भाई एक घंटा पर्चा चला दे भाई पता चला कि भर्ती होगी पड़ जाएगी नहीं, और जो सबसे ज्यादा मेहनत करो वही खून सब खून चूसता है ठीक ठीक ना। तो देखा अलौकिक प्रेम के बैठाओ बोले ये भाव हुए कि संसार में देखो ले पंचम भाई कोई का काम नहीं हो तो गुस्सा जलन है, गुस्सा लेन कि नहीं रामचंद्र भाई अनुभव बा कि नहीं, सरजू भाई 82 साल को उम्र बा बतावे गुस्सा कर लेने तो जान जाए आज कि दामिनी दमक रहन घन माही अखल के प्रीति जथा फिर नाही। प्रभु श्री राम जी की बाड़ी है,
आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, लेकिन स्थिर वह बादलों में छुप जा रही है। ठीक उसी प्रकार से राक्षसों का प्रेम स्थिर नहीं होता। अगर कोई लालच नहीं पूरा भयल और गुस्सा गयल तो समझ ले कि वो राक्षस है। कि महाराज देखा बोला कुछ संसार राक्षस बा। हाँ संसार राक्षस बाहर का लालच नहीं पूरा भयल तो गुस्सा था है तो लालच का नौकर बा ने भगवान का सेवक कहा बा। तो या तो यहाँ सेवक माने या तो देवता या तो राक्षस दुगे व्यवस्था तो प्रकृति में बा। तो यदि कोई लालच की वजह से क्रोध करे तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति राक्षस है, यह जान करके उसका परित्याग कर दे यदि आप परम पद की ओर बढ़ना चाहते हैं तो, और उसे ममता लगी गए तो जा फिर वही 84 लाख में भटको फिर। ठीक ये बतिया सब समझा ले, लेकिन मानते नहीं। बहुत कम लोग तो खैर जे जेके परम पवित्र प्रेम उत्पन्न करे को भैया ओके यह करे के चाहिए, पहले नहीं जान रहा आप जान गए। ठीक जब बादल के वर्षा को होला तो देखो ला काफी नीचे आ जाले नहीं समझ में आवा था। तो बरसा ही जल दे अब भूमि नियराए जथा न वही बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के करीब आकर के माने नीचे उतर कर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बुद्धिमान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता, तो अगर किसी के अंदर विनम्रता नहीं है तो जान लीजिए कि वह ज्ञानी। ठीक है, ये पक्का पक्का प्रमाण। उसके अंदर ऐठन नाम का कोई चीज नहीं, अनुभव तक नहीं होना चाहिए। पवित्र भाव से विचार करके देखते तो नहीं तो इनका बाड़ी में तो फूल लगी कहे कि शिव रूप अहंकार बा, बुद्धि ब्रह्मा रूप, चित्त विष्णु रूप, हाँ वो तो तगड़ा वाला बा। लेकिन जब पवित्र भाव से देखबे तो लगी कि नहीं ये सब खाली परम कल्याण बदे बा नाथ एम में। हाँ महाराज जी का अनुभव बात बाणी में जौन तेजी बा या कुछ बा महाराज परम कल्याण। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बादल पृथ्वी के करीब नीचे आकर के वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष को विनम्रता अवश्य आ जाती है। जिसके पास सच्चा ज्ञान होगा वह कभी कोई भी उसे गलती हो ही नहीं सकती। ठीक ना, क्योंकि ज्ञान होगा कि वही तत्व सब बात अभी वो प्रकृति के तत्व में होकर आसक्ति न रह जाए। तो आसक्ति न रह जाए तो गलती कहाँ से हुई है। और यहाँ देखा तो पूर्व राक्षस पतन की हमारे 10 लाख का स्टेज बनावा, पंडाल बनावा वहाँ इलाहाबाद प्रयाग मेला में। हम बड़का बाबा है, कैतु का बाया है जिन्हें 50 लाख में बनावा, उनसे बड़का बाया है जने। यह कोई ड्रामा बने? अरे नहीं यार, एकदम विनम्र बन जा, ऐसे बैठ करके देख ले भाई सही बा। तो अपने आई समझ में, ऊंचा आसन लगा के बैठ जी गए, शादी का सिंहासन चाहता तो के तो देख करके भक्तन के दल लालच न आई कि बैराग आई, चमचमाती गाड़ी में घूमता तो लालच आई कि बैराग आई। तो जो लालच बढ़ावा था कपट बढ़ाओ तो वो गुरु कैसे आचरण में होना चाहिए। ये प्रभु श्री राम जी की बाड़ी है, यदि आप साधु है तो न तो आपका कोई नाम है न तो आपका नाम से कोई, जब नाम ही नहीं तो कहा
महल का यहाँ देखबे कुल राक्षस लोग स्वामी लिखवा करके बोर्ड टांगे बा। ये सब के सब निकृष्ट जीव है, यहाँ पर कोई स्वामी हो ही नहीं सकता, कोई भी हो सकता तो भगवान का सच्चा। ठीक, और जो सच्चा सेवक होगा वह प्रभु के चरित्र को अवश्य प्रदर्शित कर देगा। मोह माया इच्छा रहित बना जा सकता है, रास्ता सबके पास खुला हुआ है। एक एक चीज के धारण करवा तब दे। दुखरन भाई कहा जो हम परेशान रहे, इसे पानी लेके मुंह धोले, ठीक ना राम कृष्ण भाई? पक्का पक्का ना? एकदम ज्ञानी हुआ हो सकला जे मुक्त हो भी नम्र हो, मुक्ति भी साथ में दिखाई चाहिए नहीं, अनुभव में जाए चाहिए। भक्तन के ये नहीं करने की बात है कि हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, हम है तो मुक्त ना है। ठीक, ठीक ना? और अब बूढ़ाबादी भी हो रही है, तो प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि बूंद या घात सहाही गिरी कैसे अखल के बचन संत सहजैसे। कहते भाई लक्ष्मण देखो ये पर्वत बूंदों का आघात जैसे सह रहे हैं, जैसे इनको कोई आपत्ति बूंद पड़ रहा लेकिन उनको चोट नहीं लग रहा, उसी प्रकार से दुष्टों के बाड़ी को संत साते। तो आप देखो अनुभव करो के पत्थर उजो रखा हुआ बोरे पानी पड़ा था उसकी कितना चोट लगा था, लगा था अर्थात अगर आप संत हैं तो कितना भी जो है कि खराब से खराब बाड़ी दे दे लेकिन उसमें आपको बिल्कुल आपा खोने की जरूरत एकदम उतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर प्रभाव पड़ रहा है यानी और आप आपे से बाहर चले जा रहे हैं, दाता के नियम बा ओकरे परम कल्याण बदे लेकिन आपे से बाहर, तो संत है तो इतना ताकत होना, नहीं तो खराब बाड़ी तो सुन करके जो ना गणेशों को गुस्सा आ जाता रहा, अब वही भी आई जलन है बुरा बहु। लेकिन अब वो आपो लोग देखे, अब देखे होता ना तो अच्छा लगा था कि नहीं, अब क्या बात कभी दिक्कत ना हो झगड़ा। हाँ महाराज अब संभाल ले, ठीक ना? तो अगर संत है तो इतना आपके पास, अब देखो धीरज रही तब बने सब है, ठीक ना? और यहाँ धीरज कहाँ बा, यहाँ तो लालचे बा, भगवान है बने के लालच बा, भारी भारी लालच बा जी। तो आप लोग से किसानी में बाया कुछ होता है नौकरी वोकरी तो बा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास देख रहे कि यहाँ थोड़ा सा धन हो ही दो चार मंजिला बिल्डिंग उल्डिंग बनवा ले हुई है, गाखे गाड़ी उड़ी रख ले हुई है, वो देखो उन्होंने मैंने कमांड दिखाई। हाँ महाराज यही दिखा ला अनिशाद राज भाई दिखा ला, अगर हम मालिक चाहेंगे सुनो। हाँ एक समझो शांति से कि क्षुद्र नदी भरी चली तोराई अजस थोरे धन खलई तेराई। जो छोटी नदियां है छिछली हाँ वो जहाँ बारिश हो रही है तो किनारे को तोड़ती हुई फैल जाती नहीं, एक श्री राम जी की बाड़ी ऐसे एक एक बाड़ी को समझिएगा, वैसे ही कि थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं यानी घमंड को धारण कर लेते
यहाँ नहीं देखे की बात, देखा तो इधर इधर देखे की जरूरत नहीं, लावत है ठीक। तो क्या अब देखो प्रभु राम जी का चरित्र बा, अयोध्या का राज राज लक्ष्मी राज भोग उनके मन के खींच है ना, और अंबानी होकर एक टुकड़ी भी नहीं पा सकते। नहीं महाराज अंबानी का एक है टुकड़ी नहीं, इंद्र और कुबेर तक वो धन के देख के सियात है ना, ओबामा पोबामा मोदी मोदी कुछ नहीं नहीं। और देखवा तक घमंड यहाँ से इतना बाणी जाता लेकिन इतना घमंड में चकना चूर बहन कि कोनो मतलब तो घमंड का मरीज बहन ने। तो खल होते हैं जो थोड़ा सा भी धन पाके इतरा जाते जने, और कुल रवि गुरु के घरवा वाले यह सोच ले जने कि खूब पैसा कमाते हैं। अरे राक्षस लोग जो है क्या करोगे, लोभ से जो घिरा है वह अपने आप को रावण का वंशज जाने और कुछ नहीं ठीक। पलटना पड़ेगा ना, पलाऊ करबे तो पलटे ही पड़ी ने, पावे के बाद बैरा और लोभ पूरा भराबा ठीक ना, काहे भराबा काहे भरा भाव का कारण पता लगे। ये से भरा भा जब बारिश होता पनिया नीचवा हुआ था तो वो मट्टी नहीं लपेट लेता, ऊपरा से मैला वाला पानी सब ने। तो भूमि परत भा ढाबर पानी अजनु जी वही माया लपटानी, समझो पढ़े भाई सज्जनी लेकिन पढ़े सुनो हुई ओके समझो। जब तक जीव स्वतंत्र था जाने माया के बंधन से मुक्त रहा तो वो आनंद में रहा नहीं, लेकिन जैसे ही शुद्ध जीव धरती पे पहुंचा माने शरीर लेकर के धरती पर गर्भ के अंदर तक नहीं हाँ। वैसे ही उसको माया उसी प्रकार से लपेट ली जिस प्रकार से पवित्र जल के बूंदों को धूल के कण लपेट लेते नहीं। लड़का पैदा होलन तो सोहर काई से गावल है कि जुग जुग जिए तू ललनवा भवनवा के भाग जागलो जने, ऐसे ही ने ललना यही में ललन जी से पूछ रहे एक बार कि लल्ला जी तुम्हें कभी ललना कोई बुलाया कह रहे मम्मा की कर हिम्मत भाई से कह दे कह देखो ऐसे कहा ठीक है बड़ा आनंद में रहे ना शरीर है तो झूठ झूठ जिया वो पैसा कमा झूठ झूठ बोल के वो माई का सेवा और उन खाली यह कहिए कि कोनो सुख नहीं मैं बाबुओं को सुख नहीं देन भाइयों को सुख नहीं देन पतियों को सुख नहीं देन बेटों को सुख नहीं देन उन्हें खाली यही से समझ ले कि लालच का समुंदर होल इन माया रूपी नारी। जो नारी मन वाणी और कर्म से अपने पति परमेश्वर की सेवक नहीं है वह मात्र लोभ का समुंदर है और कुछ नहीं ठीक ने। यही से कार्य होता माने कि माया लपेट ले बा तो जैसे जेठुआ से लपेटे बा यानी खूटा दुखरन भाई गैया के किसवा में बांध रहे खूटा में तो गैयेवा खूटे के चारों ओर तक घूमी आए
तो बुद्धिया के तब बांध लेस माया, बुद्धिया के बांध लेस माया, तो माया के चारों ओर घूमबे ले, तो घूमे का मतलब यार कौन जुगाड़ लगावा कहाँ से पैसा ठीक देखे बाबा सफा सफा महाराज एकदम माया के तू सो पकड़े है माया तो के पकड़े नहीं प्रमाण एकदम पक्का पक्का बा सबका दिमाग भर रहा होगल वो वाला जो उन्होंने पत्थर अगर दिखाई तो के लिया के यहाँ रखो माया के तू से पकड़े है माया का पकड़े बा नहीं माया से कुछ कह बा हम का को दाई हम ही के कोहल माया पे सही करी हम कहा कुछ कह दाई अरे तू बिना कहे बहुत कुछ कह देता हूँ नहीं उन्हें तो इशारा करेंगे बा राम जी भाई सवेरे बैठा ले जाने और कुछ करे कि नहीं पड़त देवराज के माता जी यहाँ बस दिखा करके चल रही है अपने आप उठ के नहीं कहा आके कोई कहता अरे बाबा बहुत कुछ बा ठीक ने यही कारण है कि लोग माया के चारों ओर नाच रहे और अहम भाव के कारण ही शरीर मिला बा अगर अहम भाव न रहे तो शरीर तो अहम निकाल के मुक्त होकर निष्काम सेवा निष्काम भोजन करता ले पाजी ले मुक्ति और अगर एक पक्का कर ले तो लीन हो गई ले तो सीधे परम पद जैसे माता सबरी जी के मिला पद लीन भाई जहां नहीं फिरे जब मैं लीन हो जाइबे तो वहां से वापसी जब निष्काम सेवा निष्काम भोजन करे रहे तब जो ना लीन हो बे ओकरे पहले जब कहा महाराज ओकरे पहले मना वहां पहुंचबे के बाद लीन कहो मैं रहता था फंक्शन पर कुछ नहीं रहे हां तई बतावे अब बुद्धिया में ये पवित्र भाव बैठाता धीरे धीरे कि नहीं बुद्धि में बैठाता चित मतलब बुद्धि साइन कराता कि नहीं सही सही बात बा और चित्त में बैठ के चरित्र में लिया हुआ का प्रयास अब देखा गुरु का कितना बड़ा काम होला नहीं उससे बड़ा काम का हुई कौर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बाकी मन के भेद के बुद्धि से साइन करा के चित्त में बैठा के चरित्र में लिया ही है ये इस पर बड़ा गंभीरता से विचार कर जाए ठीक ना सही कि नहीं वास्तव में गुरु का महिमा बहुत अलग एन गुरु थोड़ो बार गुरु तो आपका शंकर जी है हाँ है एन कुछ नहीं है भाई हाँ महाराज की मार्गदर्शन नहीं वो शंकर जी करत है सब जाने ये तो ये प्रकृति में खे शरीर जैसे पड़ा बा तो कैसे अचानक नहीं हो अचानक तो देखो हुआ है 40 ठे बा पूरा व्यवस्था लेकिन सीढ़ी कहाँ कोई चढ़ पावा था तो कहे नहीं होता ही प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि समिटी समिटी जल भर ही तलावा अजिमी सद गुण सजन पहियावा भाई लक्ष्मण देखो जल एकत्र हो कर धीरे धीरे तालाब भर रहे नहीं उठी रही रही भोरी ने वैसे ही यह जो सद्गुण है निष्काम सेवा मन निग्रह इंद्रिय निग्रह अहिंसा अस्ते अपरिग्रह धीरज क्षमा ब्रह्मचर्य सत्य शौच संतोष ये सब जितना सब आप लोग देख लिए हैं बनाकर दिया गया है ये सब सद्गुण है क्या है सद्गुण और ये ना वो गुणों से भी कुछ लेना देना आप लोग ऊपर चल गए तो पार ओ मैं वो दिखावा कि नहीं बा ठीक ना एन कुछ बटला नहीं बहन ने
माने अब ये धरती पर कोई इनके ऊपर अधिकार नहीं देखा सकत ये शरीर के ऊपर न तो ये शरीर कोई के ऊपर अधिकार अधिकार अब खत्म पौधे खत्म हो गए कुल। लेकिन इतना बा कि एकरे बाद भी इतना बा कि जेकर जवन पद लगा था वो अपन कह सकला हाँ कि हमार भाई है वो तो अपन कही सकला ओके तनको मनाही आध्यात्मिक पिता है आध्यात्मिक पति है सब कह सकला चचा कह सकला ऐसा कोनो बात नहीं। कोई के ऊपर थोड़ा भी दबाव नहीं भाई कहे कोई का अधिकार मरबे ठीक तो सिर्फ कह सकला लेकिन विनती इतना बा कि कहा का होता का नहीं होता ना तो यहाँ से कहे के बा सरजू भाई ना तो कुछ सलाह लेवे के और जवन बाड़ी बा गणेश जी के सहायता से कुल बाड़ी पहुंची जाता ठीक और पक्का प्रेम बात यह बाड़ी के धारण कर ले जा अपने बुद्धि के जो में सदगुण बैठा के सही रास्ते पे चल के जहाँ रविशंकर प्रकाश सब धाम में बैठा बा वहाँ आ जा ये ने ई काम ध्यान दे ई काम शंकर जी भी नहीं करते आशुतोष तुम ऑर्डर दानी सब कुछ तो संसार के दिया जा सकला लेकिन भक्ति बदे कोई के दबाव नहीं। कैसे कहबे कि हम हमार हमारे हिसाब से चलो तो दबाव हो जाए ने ओकरे बदे आप स्वतंत्र बाए ओकरे बदे तो भाई ये शरीर से तो सब कुछ जौन कुछ ब्रह सब दियागा और भक्ति बदे लोग स्वतंत्र बाए और भक्ति तबे हो सकला जब वासना के अंत हुई श्रद्धा श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई और बिनु मही गंध की पावई कोई बिना धरती के तत्व के गंध कहीं मिले वाला वैसे ही बिना श्रद्धा के धर्म और श्रद्धा अगर तो फिर अहम भाव जब से जाई ना तब तक वो श्रद्धा सात्विक श्रद्धा माने सिर्फ परमात्मा में मिलना है बाकी कुछ नहीं चाहिए कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए कोई चेला चपाटी कुछ नहीं चाहिए कोई बेटवा भाई बंधु कुछ नहीं चाहिए सिर्फ धाम ठीक ने कहे ऐसे कि हाँ लौकिक प्रेम नहीं बा ऐसे देखे एक एक जब बैठत रहे ना फिर ओकरे नीचे मत आए फिर चढ़ता जाए कि पीछे मुड़ के देखाऊ के नहीं बा ये ने तो कहे कि महाराज इव दबे ई इतना स्थिरता कैसे आ गया कभी सुन ही नहीं यार ई स्थिरता कहाँ सुन में यार सबकर तो प्रोग्राम बा है वो भगवान के जो ना की कथा कहिए पंचम भाई दस साइड बैठे यार जवान आदमी अगर सहारा लेता है ध्यान दे ई अवस्था कैसे मिला और कैसे मिला ला एक जान ले ये भी चली ओके अवस्था मिल तो सरिता जल जल निधि महु जाई अहोई अचल जीवनी होई अचल जीनी जीव हरि पाई सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जीनी जीव हरि पाई। देख ले भा गंगा जी बहन बहुत के जगह गंगा सागर में एकदम सरल बात तो जिस प्रकार
बारिश हो रहा है तो नदियों का पानी अब बढ़ रहा है। जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, समुद्र में जा गंगा जी ढूंढा कहाँ भाई, न मिलिए, उसी प्रकार श्री हरि, अब देखो वहां अपने की कैसे कहें, नहीं तो अगर सफा सफा श्री हरि यहाँ कहत है ठीक ना, कहे कि नल लीला हुआ, उसी प्रकार कहते खोल के बता देता है, जीव मेरी भक्ति पाकर अचल हो जाता माने आवागमन से मुक्त, ठीक क्या करे तुम्हें सम्मान रखने में धन को रखबे तो अपने में मिले है ना। तो निश्चित बात कि अगर कहीं प्रयोजन नहीं है इसका मतलब भगवान के भक्ति नहीं, कहीं इलाज जो है ना कि जब तक जो है शांति से सुनबे ना तब तक उल्टा पुल्टा बोलबे। देखो समझो अब देखो इधर देखो कौनो प्रयोजन अब नहीं बा, कहीं जाए कि नहीं बा, ऐसा कैसे भयल ये जब तक भगवान के भक्ति न मिली तब तक चलो ऐसा नहीं हो सक, ऐसा हो गल एक मतलब वो भगवान में बिना मिले वो कहीं रुक नहीं सकती, देख ले तो जब मिल जाए ओकर कौनो प्रयोजन, अगर कोई का प्रयोजन बा तो वो जो है प्रभु में मिला नहीं। महंतगिरी करना है, आश्रम बनाना है, केला बनाना है, बिना मांगे धन लूटना है, दूसरे के पत्तियों से स्वामी कहलवाना है, ये सब एकदम निकृष्ट जीव होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो है कि जब तक प्रभु में मिलती नहीं नदी तब तक बहना पड़ता है, लेकिन जब मिल जाती है तो उसी में वो विलीन हो जाती। तो आप ईश्वर के प्रतिनिधि तो नहीं हो सकते, आप एक कपटी दंभी पाखंडी हो सकते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं। जा देखो गंगा सागर में तो मिला भंजा, समुद्र में ढूंढा गंगा जी कहा भाई, ठीक ना। जवान पानी सुना ले कि अबे शरीरी से कभी जो है प्रकाश या रवि शंकर बन के विचार नहीं हो सका, तो जे भी सुना उसे समझा चाहिए, निजी इच्छा उत्पन्न तो निश्चित है कि जो मिल जाएगा वो परमात्मा के अलावा उसका कहीं कोई प्रयोजन पक्का होता कि नहीं भाई। तो राम जी भाई कहे कि महाराज 10 साल से तो हम लोग लगा रहे लेकिन कुछ समझ में तो वो काहे बदे, वहू का उत्तर श्री राम जी देते हैं कि हरित भूमि त्रिन संकुल असमुझी पर ही नहीं पंथ, अजिमी पाखंड बादते गुप्त हो ही सदे ग्रंथ। बारिश हो रहा था घास जम जाला, जो पगडंडिया पड़ा रहा उसी से दिखात नहीं लेकिन अंदाजी वही पर चल ला तो धीरे धीरे नहीं लेकिन सफा सफा लेकिन खास बात तो मनिया बिच्छू उच्छी पर रही है खतरा हो। तो बारिश हो रही है जिसकी वजह से पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे पगडंडी वाले रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे, उसी प्रकार पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते। ये जितना धरती पर आप देख रहे हैं सब पाखंड मत है, अब कोई इच्छा से मुक्त भा नहीं और रचना रस देश
जने उद्धा बुद्धा सुद्धा सो अबीर कबीर जितना देखो है कहे कि जब तक इच्छा रहित मोह माया रहित न हो तब तक बुद्धि निर्मल न हुई। और आज एक समझा के कोई तैयार नहीं बस कुछ झूठा के और पंच से पंच रोचक जाता है निकल तो वह अब घास जमा बात है वो घास जमते जाई ने तो उखाड़े की पड़ी ने उखाड़े सुखवावे और आगे लगा के फूको। भगवान का सेवक बात यह करो अगर ही नहीं करो था जौन फूक करो था व्यर्थ बात है यह न असली काम पता होगा ये एकदम पक्का बा। हाँ नहीं तो आखिर के इतना उम्र होगा 80 साल भाई सरजू भाई अभी कहीं तो मिला हो पहले नगर रहते नहीं बन ठीक। और अनुभव बता रहे हैं अनुभव श्री राम जी और दे रहे हैं मेढक सब टर बोला ले देखा बोले जहाँ पैसा ला हमने वो सब टर बोला ले के मुख सुनाओ है मुख सुनाओ अब का सुन दे है जब सुना जात रहा तब तक लगला जनों की कपट करे तो मेघा बन गई ले। शंकर जी का निंदा जे भी करी उके मेढक का शरीर हर गुरु निंदक दादू रहोई शिव जी और गुरु का निंदा करने वाले को मेढक का शरीर मिलना ही मिलना ने जैसे देखा है जब इतना बढ़िया बढ़िया बात हो तो कुछ बिछुआ में आके टर लगल बोले ने जैसे वो बोलत रहा जो है ठीक ने तो फिर वह ले टर करा अपने घर करो वह टर कहे जी प्रभु के ददम पक्का बा जब तक जो है मोह माया से मुक्त न होगा तब तक अपने में मिलाई ठीक ने तो दादुर धुनी चाहूं दिशा सुहाई अबेद पढ़ाई जनु बटु समुदाई। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों के समूह वेद पाठ कर रहे ठीक ने ते गणेश जी साधना के लिए हमेशा जोर पड़ा रहना है कि यार साधना कर जा साधना बदे जोर दिया रहना है यहाँ से तो जोर जाता उधर है लेकिन माई कहला कि नहीं खा पी के मस्त रहो तो आखिर के ई अब दोनों बात तो भाई जोन बा जो नहीं दोनों व्यवस्था बा तो में ई साधना बदे कहे जरूरी बा साधना बदे कहे जरूरी बा राम खिलावन भाई एके जानो यहाँ तक तो बा आदर्श मानव धर्म संतोष तक जब दृढ़ आस्तिकता हो गया कि मात्र प्रभु श्री राम ही जी सब कुछ तो इन्हीं से करबे तब्बे जो है कि आपके अखंड ज्ञान यानी विवेक ई न करबे तो विवेक विषयी पुरुष के कभी विवेक नहीं हो सकता और आज विषयी भी नहीं बन आज तक पशु और राक्षस के कैटेगरी में चला गया बा कहे कि मनुष्य का तो यह धर्म हो नहीं नहीं। लेकिन अभी जितना चेतना भाव उतने से काम हो सकोला अभी चेत मनुष्य तो 15 साल में वो ना चेत पे है
तब तक इन्होंने के जो चिलवा में उन्होंने वो ने तो देखो भाई प्रभु श्री राम जी कहते हैं भाई राम सिलावन भाई कि नव पल्लव भय बिटप अनेक असाधक मन जस मिले विवेक। अब गर्मी में जो पत्ता उत्ता छोड़ कर रहे अब पानी पड़ा तो सब हरा भरा ठीक ने हो जाले कि नहीं करे भाई लक्ष्मण देखो अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए जिससे वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो रहे हैं। नया पत्ता वैसे हरा भरा अच्छा लगत है। उसी प्रकार से साधक का मन विवेक यानी अखंड ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता न। कहा लगे गुरु बड़ा बढ़िया बात कल कचरा उचरा आप देखे साफ होगा आप है ना तब पवित्र होगा पर वो अच्छा लगी। अब लोग मान ले बहन अज्ञान के कारण की कोई पार नहीं हो सकत वो मान ले बहन उनका मान्यता गलत हो सही ने? तो मात्र साधक को ही विवेक होता है इसलिए ये करते। तो माई के ममता के चक्कर पड़ गए तो जाओ उधर ठीक और शिव जी का सेवा करवे तो फिर हो जाए विवेक मुक्ति के रास्ते परम पद से आ जा तो यह अवस्था मिली समाधि भी लग जाला कुछ भी या नहीं ठीक। और बारिश में देखबे तो मदार मदार में पत्ता नहीं रह जाते बारिश के दिन में पत्ता और जो जवास बा उहो जो ना बरसात के पानी में खत्म हो जाला ने बरसात में वो सूख जाले ठीक ने। तो अर्क जवाश पात बिनु भयउ जस सुराज खल उद्यम गयउ। करे भाई लक्ष्मण देखो मदार और जवाश के पत्ते झड़ गए ठीक ना उसी प्रकार श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम एक भी नहीं चलता। तो वही राजा श्रेष्ठ है जिसके राज्य में एक भी खल का उद्यम ना ये पक्का पक्का प्रमाण। तो देखो ये जो मदार झड़ जाता है या जवास झड़ जाता है तो एक पर कभी विचार आप लोग अपने से कभी नहीं लेकिन वो ये संकेत देते हैं है ना प्रभु श्री राम जी के बाड़ी बा। और आप लोग विचार करके देखो जब श्रेष्ठ राजा बन तो उनके जो ना राज्य में कहाँ खल को उद्यम चले के नियम नीति से पक्का जब रहे कहाँ चले और वह जब लालच रखे रहे तो फिर वही में तीन पांच करबे तो कहाँ। अब देखो कहाँ श्रेष्ठ राजा दिखाता है 5000 साल में जितना कुल देख लेबे ना ठीक ना। राम जी भाई राम सिंह भैया सुजन गुरु हमें देखे तो सोचे कुछ कहिए तब से इधर बोल दे। तो रामचंद्र भाई जब बारिश होला है गर्मी में बड़ा धूल उड़ाला मैं और जब बारिश जम के होगा तो मैं धूल अगर खोजबे तो कहीं मिली
नहीं ने ई बात समझ में आवत राम सिंह साहब देखे भाई महाराज यह समझ ले महाराज एकदम सरल सरल बात बा भाई कि खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी अकरई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। भाई लक्ष्मण देखो वर्षा में कहीं धूल धूल खोजने से भी प्राप्त नहीं। उसी प्रकार क्रोध धर्म को दूर कर देता। अगर क्रोध का वर्षा भेल तो धर्म का धूल खत्म। ये जो एक एक देखो पहने वो एक एक धूल समझो जहां क्रोध भेल उनमें से एक को तो भाई समझदारी तो यह कहता कि बस यही चीना क्रोध का हमेशा के लिए तिलांजलि दे देना ही की नहीं वो जब तक रही तब तक वो धर्म के नष्ट रहे और धर्म पर जब नहीं पूरा हो पहले तो कहाँ से बैराग हुई तो पूर्णौती करबे तो एक त्याग को रहेगी पड़ी नाथ ने राम जी भाई तब वो करबे राम खिलौन भाई अब तो हाँ लक्ष्मण जी गुस्सा न करिए कभी बाप 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 बा बनो अब राम जी बनो सही बा कहे कि रामा जी के कुल बाड़ी बा ऐसे ही बनबे तब राम जी के खिलाव को कौन ले खिलाव का अर्थ क्या बा कि चित्त में बस उन्हीं बैन एकदम साधु भाव में सेवा होता सरजू भाई तब कोई आपके पास बैठी तो के निर्मल बना देबे ये न जैसे लोग सरजू जी में स्नान कर ले ये न भाई दुखलन भाई देखा तनको अंदर कुछ मत रखो बात पक्का पक्का बाकी जे पवित्र रही वह दूसरे के पवित्र ये तनको अंदर से कचरा रखे रही नहीं देना तो बाबा बीबी आए ने अब राम खिलौन भाई पूरा समझ गया कि अब कोई आवे यहाँ टिके मत दे नहीं अरे नहीं ऐसा नहीं बात तोरा तरत के तैयार करिए हाँ ये महाराज एक दिन दो दिन अपन खाइए अपन घेरा घेरा ले होगा महाराज बातचीत न हो लगी तो देखा कितना बड़ा ये बारिश के दिन में धूल का खत्म होना ये कितना बड़ा संकेत तो क्या प्रकृति खाली सीखे बदे हो जी सीखो और असली जीवन में के धारण या ना जे उपकारी पुरुष भाव उपकार करी रहे तो जब बारिश होना तो देखा ले मानत नहीं है अपन कच्ची लगा ले ले समझे अब झूठ बोले वाली बात नहीं वो उससे मत देख रहे हाँ सुने नहीं जब ये अलग ज्यादा यार और कर बता बात गड़बड़ हो जाएगी मुँह कच्ची देख जब बारिश होला तो खेत लहलहाला ने बारिश होता हवा चल रहा खूब हरा भरा तो शशि संपन्न असोहम ही कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी जने तो रात के अरे अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी धरती कैसी सुंदर लग रही उसी प्रकार सुंदर लग रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। अब यह धर्म के रास्ते पर अगर उनके क्या जो लक्ष्मी पहुंचत आया तो उसे उपकार है हुआ खाली नहीं लेकिन यह देखो कहाँ उपकार होता पहुंचत आई धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर लक्ष्मी पहुंचत आई लेकिन उसे उपकार का काम नहीं बा बल्कि जहाँ कोई अड़चन जाता हो के मरवाऊ देता है हाँ हो जब हमारा कोनो बात बा नहीं तो देखिए उस धरती की तुलना कर रहे उपकारी पुरुष के संपत्ति से और आज ऐसा पुरुष देखने में आपको कहीं मिलेगा नहीं मेरा उपकारी वही परहित उपकारी मतलब परहित तक तो वहाँ बचला नहीं बहन
तेई से संपत्ति तो दिखाता लेकिन उससे कोई ज्ञान आनंद। देखिए धरती ललहाती हुई जो अन क्या कहते हैं फसल, उसकी तुलना परोपकारी पुरुष के संपत्ति से किया जा रहा, और एक कार्य प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं, यानी जो उपकारी है तो क्या करेगा भाई, जहाँ जरूरत पड़ी जैसा वैसा उपदान दिया अपना मेरा। हाँ तब ने खुशी आई, और यहाँ तो बाकी सब किसानन के बेचारे इतना मेहनत करता होगा, खून पिए से नौ नौ पिछड़ा ही हटाता है, ओकरे बाद भी भगवान बने के कोशिश, खून पिए वाला कोई भगवान बनी नहीं महाराज। ठीक ने देखल है तो ये निश्चित बा कि वर्षा ऋतु का कुछ चरित्र होता जी। दम्भी लोगों का जो है कुछ दम्भ जुड़ जाए के कारण वो कहीं जो हो सदग्रंथ तब लुप्त बा है ना, तब बरसात में चमके वाला राती में रखे जीव बोले क्या कहे के सन किरवा एकदम शुद्ध रूप से जुगनू नहीं। तो निशितम घन खद्योत विराज अजनु दम्भिन कर मिला समाज, रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे नहीं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा। तो ये जितना अखाड़ा खोले हैं सब ये सब दम्भियों के समाज है, इसमें कोई संत अगर धरती पर कोई है तो सन्मुख हो, हत्यों का खून पीने वाले राक्षस, अजीब स्थिति है। पहुंचा जब जाकर के वहां हिमाचल प्रदेश में बाय, तब कहने में ही बाड़ी आल कि अखाड़ा कोने अखाड़ा से हो है, एकरे पहले तक अखाड़ा जाने सही कुछ दम्भी लोग यही से नने चमकत हैं तो दिखात हैं कि बाबा जी हैं दुखरन भाई, दिखात हैं लेकिन इस जुगनू के तरह ओसे कुछ मिले वाला हवा तो उठ जाती ठीक न। तो ये जितना जो है कि खुला हुआ है ये मात्र दम्भियों का समाज है, या जो इसमें कोई बाबा बीबी नहीं नहीं ठीक न, इसलिए सीधे कुछ सोचने की आवश्यकता, आराम से उसे समझो। हाँ मेरा समझ के हाँ हमने के समझ नहीं आ रहा है रुको पहले समझो, समझे रहे बाद में बात हुई ठीक ने। ज्यादा जब बारिश होला तो बोए बा अलग से जो हो ये मेथी हो तो ऐसे बा तो वो क्यारी फूट जाली ने बार बार बने की पड़े ने। तो महावृष्टि चली फूटी क्यारी अजिमी सुतंत्र भय बिगड़ रही नारी। सुनो पड़े है कोई बात की समझो, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती। अब देखो कहे नारी के मन बाड़ी कर्म से दासी होना चाहिए, अगर वो स्वतंत्र है तो जो भी उनको इंद्रिय वस्तु का मांग करेगा उधर वो बिगड़ जाएंगे, निश्चित बिगड़ जाएंगे, इसीलिए स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दिया गया। हम राक्षस राजा मलकिन बना देता वेद विरोधी ये ना भाई जी। पार्वती जी दासी नहीं, और इसमें मलकिन क्या पार्वती जी का नानी भाई विचार करो तो अगर स्वतंत्रता दिया गया है तो निश्चित है कि बिगड़ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक धर्म बा नहीं चल सकी है, और ऊपर से टिटिम्मा इतने
यानी बुद्धिमान बनबे दुखरन भाई, अब बुद्धिमान बन जा। अरे का बुद्धिमान रामचंद्र भाई कभी खेत में निराई करे है? ओके सुनल करे है, सुना बिच्छे में ज्यादा सुनो, तीन ठे घास निकाले के बाद खाली इतने काम बा कल्याण बुद्धि भाई के समझो ताकत हो तो मात्र यह तीन ठे घास निकाले के बाद ज्यादा नौटंकी के बात नहीं बा, ज्यादा पढ़े लिखे के कुछ हो कृषि निरा वही चतुर किसान अजिमी बुध तही मोहम्मद माना समझ ले। प्रभु श्री राम जी की बाड़ी है, गौरन है कि को लाइन पकड़ा था जे चालाक किसान वाला रामचंद्र भाई वो अपन खेती निरा के और जौन अलहदी रोलन करें जाए जौन हुई तो हुई वो चालाक नहीं। तो चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं है ना? अब देखो वो चरित्र हो था वहां पे प्रभु कह रहे हैं कि घास आदि को निकाल के फेंक रहे हैं। वैसे ही विद्वान लोग मोह जीभ नाक आंख कान और चमड़ा के वस्तु में आसक्ति धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा ए दसों के आसक्ति का त्याग कर देते, मोह आसक्ति ए दसों की आसक्ति का त्याग यानी मोह का अंत, मद घमंड और अभिमान अभिमान में अपमान और सम्मान अपमान और सम्मान इतने घास का त्याग उसी प्रकार से कर देते हैं जैसे खेत से किसान लोग घास निकाल रहे हैं। जो यह तीन घास निकाल नहीं पाया वह कभी अपने आप को बुद्धिमान न समझे, अगर समझ रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। यही तीन घास की औकात है इनकी, खा कर बे जीवन भर कुछ हो कर ले कुछ नहीं कर ले। जब तीन ठे भाई देखो रामचंद्र भाई जब ये तीन ठे घास नहीं निकाल सकता है तो बुद्धिमान लोग इन सब के बीच में नहीं पढ़ते, जो पढ़ा है वह निकृष्ट जीव बताए न कोई मतलब नहीं। बरत जब बुद्धिमान बनो अब यहाँ आऊंगा अगर बुद्धिमान न बन पे तो रोवा से काम थोड़ा हुई ठीक ने। और आप लोग बल सकल काहे के स्वागत वो कर बे भाई मरा मो का एक बार जब आत्मा अमर बा आत्मा अमर बा ने मो कोने चीज के हां देखई वर्षा की तरफ कलयुग बा पूरा जने बहुत बारीकी से समझो। चक्रवात पक्षी होला जानल है वर्षा ऋतु में वो देखात वो कोनो पक्षी बहन के पता करियो देखो वो वर्षा ऋतु में चक्रवात नामक पक्षी दिखाई नहीं दे, बाकी रही गर्मी में रही ठंडी में रही ठीक ना न रहे। तो देखिए ते चक्र बाक खग नाही अकल ही पाई जिमी धर्म पराही। करे भाई लक्ष्मण देखो अब चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर
धर्म भाग जाते, अब कहीं धर्म नहीं बा भजन है, सत्य के मार्ग पर के चलता। छकर बाका ये उम्मीद ले जा अच्छा अच्छा खिड़रीच खिड़रीच वाला वो बारिश में नहीं दिखाती ना, खिड़रीच तो जाना था वो रहला कि एक कोने देख ले तो शुभ हो ही वो कोने देख ले ठीक ना, नहीं जानता ये जाना था खिड़रीच जाना ने ताकि समझो। तो एक कलयुग के आने से धर्म भाग जाते, यही से जो ना आदमी ये संसार में मतलब जे धर्म पे रहे वाला बा वो ये प्रपंची में नहीं रह पाओ तो यही से निकल के और बाकी लोग अपने में एडजस्टमेंट करो आप सुधर जाइए और सुधर जाइए दुखरन भाई, यही चक्कर में बुढ़ौती आओ था और पता चला था कि कार्ड विधान से दे दिए नहीं, पति पत्नी मतलब माता पिता के अलग कर देना वो काटा के बराबर बा भाई। तो जे ऐसा करा था वो कलयुग के भाड़े का नौकर बा, फिर ओके पुत्र पुत्री कहा समझ रहे ये ना गणेश जी। अब देखो आप लोगन जो है जब धीरे धीरे समझा जाता तो आप लोग धीरे धीरे साधत आए, लेकिन जे साधु के भाव में आ गल ओकरे अंदर कहीं कामना के जगह न हो चाहिए कहे कि पक्की व्यवस्था बा इस साधे वाला हो। हाँ महाराज जी से साधक लेकिन ये वाला तो ऊसर बरस त्रिन नहीं जामा अजिमी हरि जन ही उपजन कामा। भाई लक्ष्मण देखो वर्षा हो रही है लेकिन ऊसर पर कोई तीर घास नहीं जमा, उसी प्रकार भगवान के भक्त के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होता। अगर कामना उत्पन्न हो रहा है तो आप भगवान के भक्त नहीं। कामना किस चीज का कामना, संसार में कुछ भी दिखाने की कामना, नाम करने की कामना, चेला बनाने की कामना, आश्रम खोलने की कामना, पूजा पाने की कामना, प्रभु श्री राम जी के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने फोटो और मूर्ति की पूजा करवाने की कामना, अगर ये सब कामना है तो आप भगवान के सेवक नहीं। प्रभु अपने मुख से या बाणी दे चुके तो कोई अपने आप को भक्त तभी कह सकता है जब वो निष्काम हो जाए। देखो ये दयाल ने इतना जब विचार करवे तब इस मन में निष्काम भाव, वो ऐसे ही नहीं लिखे गल बा एक पेज कब ये लिखे में कहा बा हम वो लिख दे कहा लिख दे बे ठीक ना। हाँ महाराज का लिखते हैं और इतना नहीं बरसात में ना कई प्रकार के जीव पैदा हो जाले ने, तो प्रभु श्री राम जी यही कह रहे हैं कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा अप्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। प्रभु कह रहे हैं कि लक्ष्मण पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभायमान है जैसे अच्छा राज्य पाकर
प्रजा की वृद्धि होती, इस बात खून पियो तो अनुकूल वृद्धि का बा नहीं, राजो लालच देता हाँ एक काम करो धन मिलेगा, घर बैठे ये प्रचार करो 10,000 कमाओ, नहीं गुरु लालच कपट देता राजा देता तो वृद्धि बा, ये तो पूरा जो है दिमाग के एकदम सड़ा देता है जने? अब यही है कि विचार कर सके तो करें, गुरु है राजा है, अगर आप पवित्र नहीं है अंदर से तो आप मात्र एक निकृष्ट जीव है जो कि इतने बड़े पद पे बैठ के ठगी कर रहे, तो बल्कि उससे अच्छा तो कुत्ते बा जोन जाके रोटी चुरा लेना आपसे करोड़ों करोड़ों गुना अच्छा बा, क्या करोड़ों करोड़ों लोगन के कपट के जाल में फंसा होता, कम से कम पेटे बदले रोटियां चुरा हुआ वो पेटे बदले हाँ वो नहीं कहीं रखा था अलग से मैं तो वह कुत्ता करोड़ों करोड़ों गुना अच्छा है आपके राजा और गुरु से, जानिए क्योंकि जब पद होता है ऊपर तो अंदर जैसा ही रहेगा लोग वही चीज बाहर निकाल के देगा, वही समाज में फैलेगा। आज स्थिति हो गया कि लोग छोटा छोटा धन के लिए जमीन के लिए भाई भाई का गला काट दे रहे हैं, ये ना भाई, तो जैसा राजा गुरु रही है उसी ने समाज बनी, कुछ नहीं। देखिए पूरे धरती पे गणेश जी एक व्यक्ति है, राजा के पद पे हो और सत्य व्रत धारण करना चाहता हो, नहीं तो अपने आप को कच्चा चार फेल झूठ के भाड़े का नौकर जाने और बताए, अपना जो भाषण देते हैं सब यही सब कहे कि भाई हम कच्चा चार फेल है, आप लोगों को खाली ऐसे ऐसे ही भाषण देते कि हमारा राज्य ले हमारा नाम हो, गुरु बोलना शुरू कर दे यार खून पीता हूँ लेकिन लगता है कि चाहो तुम लोग बेवकूफ हो साथ भगवान बना दो, ऐसे ही इसी चक्कर में कर रहा हूँ भाई अंदर वासना बह रही है, कहना चाहिए ना सबको कि भाई अपने बहन बेटियों को मत लाओ यार, या ला रहे हो तो भाई संभाल के रखना क्योंकि अंदर बह रहा, लेकिन बाहर से अच्छा कोने मीठ मीठ आ गया है भाई, इसी के सहायता से जो है अपना पेट चल रहा, सही सही तो बोलो यार, जो अंदर हो वो भी नहीं बोल सकते, शर्म नहीं आती, विश्व गुरु बनते हो भाई, बात तो सही बात कायदे से मनई के जितना बुद्धि समझ में आवा था तो के धारण करे, कुल देखबे ना कुल 10-10 अरब का जो है नौटंकी बाज होगा बहन, जब बाबाजी बात तो के धन के कहा जरूरत बा, दुखरन भाई धीरज मत खोए, ई कह दई जब कुछ कमा के लिए घरवा में चूल्हा जरी तब बने घो संसार चली, तो लक्ष्मी और अग्नि से संसार चलाला, और जब संत बाय तो पहला कार्य लक्ष्मी अग्नि का त्याग करो, ये पहला सीढ़ी हो पहला, जब संसार का वस्तु प्रयोग करता है तो किठुआ का संत बाय है, और वो त्याग करेंगे कौन क्या तोरे की हम सबसे ज्यादा हुआ नहीं ठीक नहीं है, बस इतना रोकी दी है ज्यादा कुछ नहीं, तो निश्चित है कि अच्छा राज पा करके जैसे जीव प्रसन्न होते हैं वृद्धि होती है प्रजा के जो है विचारों भाव में, ठीक नहीं, उसी प्रकार पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई शोभायमान, देखा तुलना हमेशा यहां से कर जाता धरती से नहीं, और ध्यान दे ये जो सबने कहलन कि गुरु तू ठीक कहा था लेकिन क्या करी गुरु जो ना बहुत कोशिश करी ला लेकिन ये जीव ना के आँख कान चमड़ा पर
नियंत्रण नहीं हो पाता हो, कभी कभी खिसक जाता हो। राम जी भाई हम बड़ा साफ साफ कह देता ही गुरु, ऐसे कहले साफ साफ ने ही कमवा कब होई जाने, कमवा कब होई तो समझो, जितना उम्र बा ये उम्र में बहुत देखे बा कि नहीं सड़क रहा, बरसात हो गल बा, गोड़ धसा था वही हिले में चले के पड़ा हुई आदमी थक जाले ने, अगर हिला में जहाँ गोड़ इतना इतना धसा था तो मुश्किल से जनो दो कोस चले में है शरीर, तो ध्यान दे ये कार्य कब होला एक जान ले आज, वही जब साधना में लगवे तो देख रहे हैं प्रभु की जहाँ जहाँ लोग चल रहे हैं और थक करके एक जगह बैठ गए, जब थक गए तो क्या करिए, जंगल वाले ने जंगल में जाता है तो जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना अजिमी इंद्रिय गने उपजे ज्ञाना। कहते हैं भाई लक्ष्मण देखो जहाँ तहाँ पथिक लोग थक कर ठहरे हुए, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती, जीव नाक आँख कान चमड़ा के वस्तु का जो विषय बा वह ज्ञान होने पर ही छूटता, ठीक ना? और ज्ञान इतना बा कि मात्र परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब हम सभी एक हैं, दो यहाँ कोई है, ठीक, ये सब हमारे साधन हैं भैया, इन्होंने का हम नौकर, एकदम सरल बात से बाहर समझे में कितना देरी लगोता यार, बड़ा सरल भजन है, कुछो बदला नहीं बा हमने, लगता बहुत बड़ा चीज बा, कुछो नहीं बा जाने, कोनो दामे नहीं बा हमने, यानी अंदर से के भाव आई, हाँ गुरु तू पहुंचा बा तो कहवे देखिए क्या कहे बहुआता है कोने के शब्द ऐसे ही रहा ला, जे पहुंच जाला ने यही कर लेकिन ये बहुत ज्यादा में फंसा हुआ उसे पूछता था तो वो ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञान उत्पन्न हो जाके यहाँ भाई जब वैराग्य योग हुई तब जाके अखंड ज्ञान तब जाकर के सच्चा इंद्री निग्रह पक्का हो जाए, निष्काम सेवा से मन निग्रह हो जाए, लेकिन उसके बाद जब ये सब चलत रही तो इन्होंने खींची है, इन्होंने तुरंत गायब ना हो गई है, अब ही उन्होंने का राज्य बा, अब ही तो इन्होंने का राज्य बन है, अब तो यार मेहनत लगा ले आपका, ये इंस्पेक्टर लोगों के भेज देता ही, ठीक सही बतावे राम जी भाई, देखो ले बादल छेके बाद तगड़ा तो ऐसा हो जाला कि चले अच्छा सुखत रहा या बारिश हुआ वाला, हर तब से जोर से हवा चला और देख ला कि बादल गए मिर्जापुर की तरफ छिन बिन हो जाला ने, तो फिर गरिया वाले की यार हवा चल के कुल बिगाड़ दे और पता चल कि मिर्जापुर में झमाझम बारिश हो रहा है। तो एक बात यह समझो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि कबहु प्रबल बह मारुत अजह तह मेघ बिलाही अजिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। भाई लक्ष्मण देखो कभी कभी वायु
हवा बड़े जोर से चलने लगती नहीं अब देखो चलो जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते जैसे कुपुत्र कु के उत्पन्न होने से कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते ठीक तो कुपुत्र उत्पन्न हो या सुपुत्र वो कुल निर्णय जो होला मेहरारू के मन के अवस्था पर अगर वो श्रद्धा भाव में है वासना के प्रति आसक्त नहीं है तो उनका पुत्र निश्चित है कि जैसा उनका भाव रहेगा वैसा पुत्र उत्पन्न अगर पुत्र अंदर पेट में गर्भ धारण है उस अवस्था में बार बार वासना के तरफ अगर मन जा रहा है तो पुत्र पैदा होते ही ब्रह्मचर्य का खंडन यही से कोई अपने लड़का के ऊपर दोष नहीं लगा सकता अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र के ऊपर दोष लगाता है तो निकृष्ट जीव होगा जान लीजिए श्रद्धा भाव से दे ही नहीं हाँ करवे कुल व्यवस्था गुरुवे से गड़बड़ बा अगर पहले पता रहा तो लोग करे होते लेकिन वह निकृष्ट राक्षस है इसलिए पुत्र को दोष देने का अधिकार नहीं। अभी स्थिति में गुरु बिगड़ गए राजा बिगड़ गए पत्नी अपने धर्म पे नहीं कुल राक्षसी व्यवस्था तो बा गुस्सा तो नहीं होता समझा हाँ कहे की जगह पुत्र बिगड़ा बा ओके जो तो पुत्र को कहने की आवश्यकता है वो कुल निर्भर करता है अब क्या करवे इतना देखो माया जाल बा पिता अपने पुत्री को जो है मन बाड़ी कर्म से दासी होने के लिए कभी दे नहीं रहा है तो आदमी अगर सच्चा जीव भी बात बेचारा क्या करे लेकिन अगर पक्का रहवे जाने अगर पक्का वृत्ति बन गया तो ओकर केंद्र एक के अगर सुधार गिरे तो मेहरारू कितनों जनों की रहे या तो वो श्रद्धा स्वरूप बन गई है नहीं तो वो निकल के भाग गई है तो दोनों में अच्छा बा लेकिन अपने पक्का पक्का बन गए तब ने तो जे चला गल वो निकृष्ट जीव बा ये न तो एक कुपुत्र के उत्पन्न होने से जो अच्छे आचरण है कुल की जो मर्यादा है वह नष्ट हो जाती ठीक तब जौन बिगड़ तो कुल गा बा अब में जे अपन अपन भवा सुधार तो गणेश जी कहत रहले कि जब जाइले गुरु ठिनिया तो खुश समझ में आवत लेकिन जब जाइले तो थोड़ा सा मनवा इधर उधर आपो कहो जाला खिलौन भाई जब जाल है तो प्रभाव पड़ला सही समय पर सही बात नहीं निकल पावा था बाद में समझा लो तो सोचा नहीं यार यहाँ यह कह जाता यह ने तो कबहू दिवस महानी बीड़े तम अकबहू का प्रगट पतंग अब बिन सही उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता नहीं बादल घिरे बाए तो देखवे तो किसके कारण बादलों के कारण और कभी सूर्य प्रगट हो जाते माने कभी छुप रहे कभी अंधेरा कभी वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता वो संग का असर है ठीक ना वो संग का असर है नहीं पवित्र भाव में रहबे तब देखे एकदम सरल नहीं
और सुसंग पाकर फिर उत्पन्न हो जाता है। ये बात नहीं बात खत्म होगा तो फिर नहीं हो बोला जब वह सेवक भाव रहे तो वो जौन कोने समय का कह चाहिए सही बाणी दे। यहाँ देखो कितना डांट जाता घन पड़ा था कोई सांस लेता नहीं महाराज कोई फोन नहीं था। तो निश्चित है इसीलिए फूल के भी कुसंग नहीं करना चाहिए। इनका साथ हमेशा दुखदाई होता तो यह वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत अच्छा जो है प्रभु का उपदेश है। इसका जो भी जीव अपने जीवन में धारण कर लेगा वह समझ ले कि बिल्कुल कल्याण। तो इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।